बड़ोड़ा गुजरात से ही हूँ, आजवा रोड से। एक बात बोल दें हम, जो भी हमारी चर्चाएं, हम पर प्रश्न या जो भी प्रेरणा लगती है वो पर्चा पर ही लगती है। मतलब गद्दी पर बैठते हैं, जो क्रिया है, उपाय है, उसको करते हैं, तो जो पर्चे पर लगती है वो इसकी एक अलग मान्यता है। कई लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि नहीं, सर्वत्र तो ये साधना की एक परंपरा है। बोलो, क्या प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न नहीं है। मैं बहुत मतलब अच्छे से भगवान जैसे रख रहे वैसे मैं रह रही हूँ। मैं एकदम बेफिकर हूँ और मुझे पता है क्योंकि कि मेरी चिंता करने वाले मेरे कष्ट भंजन देव साड़ंगपुर में जो बैठे हैं, हनुमान जी महाराज, वो ऐसे हाजरा हजूर बैठे, वो मेरी चिंता करने वाला बहुत बड़ा बैठा है। मुझे कोई कभी चिंता करनी, मेरे मतलब सवाल ही नहीं है, मुझे कोई लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एकदम हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। अप्स एंड डाउन्स थोड़े आते रहते हैं लेकिन हंसते मुंह फेस। अभी गुरु उन्हें बनाया है तो गुरु के गुण भी तो आने चाहिए ना। गुरु के गुण है पूरे पूरे। हाँ, गुरु के गुण है। हाँ, गुरुदेव का नाम क्या है? कष्ट भंजन देव हनुमान। हमने लिखा घर पे कृपा रहेगी, कोई प्रश्न नहीं। दरबार बालाजी से जुड़े हैं, कष्ट भंजन से कोई प्रश्न नहीं बोलेंगी, उनकी कृपा बनी रहेगी। सही है एकदम। आपको पता है मैं आपका वेट कैसे कर रही थी? 3 बजे से मैं कर रही थी। मैं गरबे खेल रही थी इधर, ऐसे कूद कूद के मैं गरबे खेल रही थी। बहुत ही ज्यादा आपका वेट कर रही थी। मैं पीछे बैठी थी, पीछे से आगे आगे आगे, और कब आप मुझे बुलाओ। मैं कब से मतलब ऐसे राह देख रही थी कि आप मुझे कब बुलाओ। और फाइनली हो ही गया, आपने मुझे बुला ही लिया। आज का जो मेरा जीवन में खूब भक्ति बढ़ी रहे, बालाजी की बड़ी करुणा है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली आपने, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। बहनों, आप वहाँ बैठी जाओ, तुम वहाँ बैठी। आपका नाम इधर लिख के दोगे जरा, ऑटोग्राफ जैसा कुछ? इस पे नहीं लिख सकते, अलग कागज। हाँ, ये दरबार वाला है ना। हाँ,